हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 28x46, मतलब 28x46, 28 फीट उसकी चौड़ाई है और 46 फीट उसकी लंबाई है और साउथ फेसिंग है और बाकी नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं। और अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आती है तो आगे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, 28 फीट चौड़ाई है इसकी और जो लंबाई है वो 46 फीट है, 28x46 फीट और साउथ फेसिंग है, बाकी अदर तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है। ठीक है दोस्तों, 28x46 की प्लॉट साइज है जिसके अंदर मैंने जो डिज़ाइन किया मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, साउथ की तरफ से जैसे एंटर करेंगे तो मेन गेट आ रहा है आपका 10 फीट का, ठीक है दोस्तों। और फिर यहाँ पे 3 फीट का यहाँ तक तो बरामदा है और यहाँ पे ओपन छूटेगा और उसके बाद में आपका पार्किंग आ रहा है जिसकी साइज है 11x11, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए सेम साइज होगी, तो 11x11 का आपका पार्किंग है। फिर जो मेन डोर है वो देखिए ईस्ट की तरफ से हमने दे रखा, जो ईस्ट दिशा है वहाँ उसकी तरफ से मैंने ये मेन डोर दिया 4 फीट का, क्योंकि वास्तु के अनुसार साउथ के अंदर हम जब डोर देते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं रहता है, अच्छा रहता है अगर फ्लोट आगवा साउथ फेस है, अगर मजबूरी तो देना भी पड़ता है, लेकिन अगर हम ईस्ट की तरफ से दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, साउथ के अंदर हम डोर नहीं रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया मेन डोर 4 फीट का। फिर यहाँ से एंटर करेंगे तो ये आपका ड्राइंग रूम आ गया जिसकी साइज है 11x14'9", ठीक है दोस्तों। 11 फीट से लंबाई के अंदर, 14 फीट 9 इंच चौड़ाई के अंदर, जिसकी एक 4 फीट की विंडो इधर साउथ की तरफ निकल रही है, ठीक है दोस्तों। ये आपका पार्किंग, ये ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम से ये देखिए 3.5 फीट का डोर और जो घर के अंदर एंटर करते हैं हम लोग, ठीक है यहाँ से। और यहाँ से एंटर करते ये देखिए आपका स्टेयर आ रहा है, यहाँ से आप होंगे और यहाँ पे डाउन होंगे और 3x6 का स्टेयर लैंडिंग है यहाँ पे। ये जो टोटल जगह है वो 5 फीट 11 इंच है। उसके जस्ट पास में देखिए आपका कॉमन टॉयलेट आ रहा है, ये 2.5 फीट का डोर है और 8 फीट 6 इंच x 3 फीट 9 इंच का आपका कॉमन टॉयलेट है और 3x3 का इसका पीछे OTS दे रखा है जिसके अंदर ये देखिए 2 वेंटिलेशन भी निकल रहे हैं कॉमन टॉयलेट के, ठीक है। एक वेंटिलेशन इधर, एक वेंटिलेशन इधर, और ये आपका कॉमन टॉयलेट हो गया। ये जिसकी साइज यहाँ से देखिए अलग अलग है, 8 फीट 6 इंच बाई आप देख लो 3, 3, 6 और 4, 7 फीट मान लो, 8 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का आपका लगभग कॉमन टॉयलेट है जो कि ठीक है, बराबर है, कंफर्टेबल है। उसके पास में आप जहाँ पे देखोगे तो ये देखिए 3.5 फीट का डोर है और यहाँ पे एक बेडरूम आ रहा है, ठीक है दोस्तों। 10x14'9" का बेडरूम है जिसकी 4 फीट की विंडो पीछे नॉर्थ की तरफ निकल रही है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ ये देखिए 4x14'9" के अंदर हमने OTS एक और दे रखा है, ठीक है। और इसके अंदर जाने के लिए इस बेडरूम से डोर भी दे रखा है 2.5 फीट का बेडरूम से। तो ये हो गया आपका बेडरूम। उसके पास में यहाँ पे ये देखिए 4 फीट 2 इंच का गैप है और फिर आपका यहाँ पे डाइनिंग किचन आ रहा है, ये देखिए 3.5 फीट का डोर और किचन आपका 11x9 का किचन है जिसकी 4 फीट की विंडो इधर पार्किंग की तरफ है। फिर यहाँ पे आपका छोटा सा डाइनिंग आ गया 11x7'11" का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये देखिए तो ये 3.5 फीट का डोर और एक बेडरूम आ गया 11x11 का एक बेडरूम जिसकी एक 4 फीट की विंडो इधर निकल रही है इस OTS के अंदर, क्योंकि 4 फीट का गैप है तो ये पूरी विंडो निकल रही है 4 फीट की, ठीक है इस तरफ। तो इसके अंदर टोटल 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, किचन और कॉमन टॉयलेट, पार्किंग वगैरह सारी सुविधा दे रखी है। साइज है आपका 28x46। मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ आराम से, ये देखिए। फिर मैं आपको इसको 1.7 फीट भी दूंगा। तो ये देखिए मैंने इस प्रकार इसको डिज़ाइन किया दोस्तों। चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए दोस्तों। अब आप जैसे ही यहाँ से ये देखिए आपका, ये आपका मेन गेट आ गया, साउथ फेस है, तो यहाँ पे आपका पार्किंग हो गया 11x11 का, ये 3 फीट का यहाँ तक बरामदा है ड्राइंग रूम के बात के, और यहाँ पे ओपन पैसेज होगा, मतलब इस इतनी सी 3x11 के अंदर आपके रूफ मतलब छत नहीं आएगी, ठीक है। फिर ये आपका आ गया मेन डोर ईस्ट की तरफ से, ये देखिए इधर मेन डोर 4 फीट का और ये आपका ड्राइंग रूम आ गया जिसकी साइज है 11x14'9" और एक 4 फीट की विंडो इधर निकल रही है सामने साउथ की तरफ, ठीक है। फिर आप ड्राइंग रूम से यहाँ से देखो, ये 3.5 फीट का डोर है यहाँ पे खुल रहा है और आप सीधा घर के अंदर एंटर हो रहे हो, ठीक है। और एंटर यहाँ से एंटर होते हुए ये देखिए स्टेयर आ रही है, यहाँ से आप होंगे यहाँ डाउन हो जाएंगे, उसके जस्ट पास में चलेंगे तो आपका कॉमन टॉयलेट हो गया जो कि आपके लगभग 7x8 का है। और उसके वेंटिलेशन की ये देखिए 3x3 का यहाँ पे OTS दे रखा है, मतलब ओपन टू स्काई, OTS का मतलब होता है ओपन टू स्काई, मतलब इसके ऊपर छत नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये 3x3 का है जहाँ पे आराम से कॉमन टॉयलेट के 2 वेंटिलेशन निकल रहे हैं 2-2 फीट के। फिर यहाँ से आप चलोगे तो ये देखिए ये 3.5 फीट का डोर है यहाँ पे और ये बेडरूम आ रहा है जिसकी साइज है 10x14'9", जिसकी 4 फीट की विंडो पीछे एक और OTS दे रखा है 4x14'9" का, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए 4x14'9" इस रूम की साइज़ के बराबर एक और OTS दे रखा है जिसके अंदर ये देखिए यहाँ पे इसकी 4 फीट की विंडो निकल रही है।
और इस ओटीएस के अंदर जाने के लिए इसी बेडरूम से ये देखिए ढाई फिट का डोर दे रखा है। फिर आप वापस यहाँ आ जाओ तो ये देखिए यहाँ पे 4 फिट 2 इंच गैप है दोनों दीवारों के बीच में, और फिर आपका यहाँ पे ये डाइनिंग आ गया 11x7 फिट 11 इंच का, जिसके उस तरफ तो आपको 11x11 का एक बेडरूम है। ये देखिए उसका 3.5 फिट का डोर है और ये बेडरूम आ गया 11x11 का, जिसकी 4 फिट की विंडो इस ओटीएस के अंदर निकल रही है, ठीक है। और फिर यहाँ से आओगे तो ये देखिए आपके 11x9 का किचन आ गया, ये इसका 3.5 फिट का डोर है और इसका 4 फिट की विंडो इधर पार्किंग की तरफ आ गई, ठीक है दोस्तों। तो ये डाइनिंग, ये बेडरूम, किचन, उसके जस्ट पास किचन बेडरूम, फिर ओटीएस, कॉमन टॉयलेट और स्टेयरकेस, और यहाँ पर ड्राइंग रूम, ये बरामदा और यहाँ पर पार्किंग, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने इसके अंदर टोटल 3 रूम सेट किए हैं, 28x46 है साइज। मैं आपको इसको एक बार और फिर जूम करके दिखा देता हूँ पूरा। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इस प्रकार डिजाइन किया है, आपको सारे डायमेंशन वगैरह बिल्कुल स्पष्ट दिख रही होगी। ये देखिए दोस्तों ये इस प्रकार मैंने डिजाइन किया है, आप आराम से इसको देख सकते हो। चलिए दोस्तों ये देखिए, तो चलिए दोस्तों अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके जो पास वाली बेल आइकन आती है उसको भी ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और डिज़ाइन पसंद आती है तो लाइक करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स।